मैं और आप इस्लाम को नहीं समझे, ईमान क्या है हमने नहीं समझा, दीन क्या हमने नहीं समझा, कुरान और हदीस क्या हमने नहीं समझा, हमने तो समझ लिया यही बिदात वाले काम करने को हमने दीन समझ रखा, ये बिदात वाले काम करने को हमने इस्लाम समझ रखा है। नहीं मेरे दोस्तों, मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, वो साथ नहीं देता, 5 मिनट में अपनी बातों खत्म कर देता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 मुहर्रम को कितने लोग ऐसे हैं जो साल भर बाप बीमार होकर पिछाने के ऊपर पड़ा हुआ, माँ बीमार होकर गोलियों के लिए तड़प रही है, बच्चों से कहती है माँ बेटा मुझे गोलियों की जरूरत है, बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने नौजवान बच्चे से कह रहा है बेटा मुझे शुगर लग गया है, बेटा मुझे फलां बीमारी लग गई है, मुझे टैबलेट की जरूरत है, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, मुझे इंजेक्शन लेने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, कभी तन्हाई में बैठकर आप इन चीजों पर गौर कीजिएगा। एक नौजवान है जो अपने माँ बाप को 50 रुपए 100 रुपए की गोलियां लाकर देने के लिए तैयार नहीं होता, पैसे होने के बावजूद अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, पैसे होने के बावजूद अपने माँ बाप को अस्पताल लेकर नहीं जाता, पैसे होने के बावजूद अपने माँ बाप का ट्रीटमेंट नहीं करता, पैसे होने के बावजूद अपने माँ बाप को एक वक्त के टैबलेट लाकर नहीं दिलाता। बड़ा अफसोस होता है, अगर मेरी ये बात आपको तकलीफ पहुंचा रही है, मैं आप अल्लाह के लिए माफी चाहता हूँ। आज इस वक्त उम्मत है बहुत बात बता, ये चीजों में मुलविस है कि जब मुहर्रम हराम आता है तो अपने पास के जितने पैसे होते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो अकाउंट में हो, जहां पर जितने पैसे जमा करके रखता है, मेरे दोस्तों बड़ा अफसोस होता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत को सामने रखकर खुशी मनाने के लिए हजारों रुपए उड़ा रहा है कि अल्लाह की अदालत में जवाब देना नहीं पड़ेगा। माँ इधर तड़प रही है, गोली दिलाने के लिए तैयार नहीं है। जिस मुहर्रम हराम आया, लोगों को शरबत पिलाने में लगा हुआ है, ये याद रखिएगा, शरबत पिलाने पर आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। जिस मुहर्रम हराम के मौके पर लोगों को खाना खिलाने पर आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। जिस मुहर्रम हराम के मौके पर कितने मुसलमान ऐसे, मुसलमान तो मुसलमान, आज नौजवानों को देखकर गैर मुस्लिम लोग भी ये काम करने पर उतर आए। इसका गुनाह मेरे दोस्तों मुझे आपको होगा, क्यों होगा, इसलिए कि हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर तुम्हारे पास दीन की कोई एक बात भी पहुंच रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि जो आदमी इन चीजों में मुलविस है, जाइए उसको बड़ी हिम्मत से समझाए, जाइए उसको बड़ी नरमी से समझाइए। मेरे भाई, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये हजरत साहबा कराम का तरीका नहीं है। क्यों हम अपने पैसों को बर्बाद करते हैं, क्यों